हेलो गाइस, फिर से एक अनदर एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अगर आपने वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे अगर आप रजिस्टर किए हैं या साइन अप किए हैं, तो उसके लिए आपको अकाउंट बनाना बहुत ही मुश्किल नहीं होता है। आप अकाउंट बना सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं यार इलिमिटेड अकाउंट में बनाते हैं, मैंने डिपॉजिट करता है, डिपॉजिट करने के बाद जो है हमारा जो बैलेंस है वो शो नहीं होता है। लेकिन मैंने ये गाइज मैं भी है $10 डिपॉजिट किया है, ओके 5 दिसंबर को, लेकिन अभी तक हमारा जो है अकाउंट में $10 रिफिल्ड नहीं हुआ है। मैंने बहुत सारे कस्टमर से बात की है, जितने भी उसके कस्टमर सपोर्ट होते हैं, कॉन्टेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, उससे मैंने बहुत चैटिंग की, इंग्लिश में बहुत बात की, लेकिन जो है जब जैसे ही हमारा 5 दिसंबर जैसे ही हमारा 5 दिसंबर को मैंने ओलम ट्रेड अकाउंट में यानी कि $10 ₹818 मैंने डिपॉजिट किया, हमारे अकाउंट से जो पैसे हैं ₹818 डिडक्टेड हो गया यानी कि कट चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारे अकाउंट में $10 डिपॉजिट नहीं हुआ है। जितने भी उसके स्पेशलिस्ट हैं, कस्टमर सपोर्ट है, सभी कम से कम तो 100 कस्टमर सपोर्ट से बात किया है $10 के लिए, फिर भी हमारे अकाउंट में रिफिल्ड अभी तक नहीं कर रहा है। बहुत सारे बोल रहे हैं कि जैसे बात कर बोला कि 10 दिन बाद रिफिल्ड करेंगे, आपका 10 वर्किंग डेज लग जाएगा, और जब हमारा 10 वर्किंग डेज हो चुका है फिर भी मैं दोबारा बात किया, अब बोलते हैं कि 13 वर्किंग डेज लगेगा, 1 महीने के बाद आपके अकाउंट में पैसे आएगा। यानी 5 जैसे कि 5 दिसंबर को मैंने डिपॉजिट किया, हमारे अकाउंट में $10 रिफिल्ड नहीं हुआ, बोलते हैं 5 जनवरी को यानी 2023 को आपके अकाउंट में रिफिल्ड होगा। तो क्या गारंटी है कि जब मैंने ओलम ट्रेड में पैसे को डिपॉजिट किया 818 यानी $10 भी है, वो गारंटी है कि आपका डिपॉजिट हो चुका होगा? अगर रिफिल्ड या डिपॉजिट ना हो तो उसके लिए ओलम ट्रेड क्या करेगा? ओके लेकिन मेरा एक गुजारिश यही है कि अगर आप $10 डिपॉजिट करते हैं तो मेरी यही गलती हुई, सबसे बड़ी मिस्टेक ये है हमारे, जो मैंने टेन डॉलर डिपॉजिट किया था ओलम ट्रेड में, तो हमने पेटीएम से किया था, ओके ना कि मैं फ़ोन पे से किया था। जब पेटीएम से आप डिपॉजिट करते हैं $10, वहाँ से आपको जो है ट्रांजेक्शन आईडी नहीं मिलता है, आपको मिलता है रेफरेंस आईडी। आपको वहाँ पर तो खोजता नहीं है, जहाँ पर आप डिपॉजिट करेंगे तो वहाँ पर एक आपको नोटिफिकेशन आता है, आप बार आता है कि आप जब तक आप ट्रांजेक्शन आईडी वहाँ पर कॉपी करके पेस्ट नहीं करते हैं, सबमिट करते हैं, तब जाके आपका $10 जाके रिफिल्ड होता है, यानी कि आपके अकाउंट में जाके $10 डिपॉजिट हो जाता है। और जब मैं पेटीएम से किया तो रेफरेंस आईडी मिला, और जब मैं फ़ोन पे से करता तो हमारा जो है ट्रांजेक्शन आईडी मिल चुका होता है। यहाँ का मेरा सबसे बड़ी मिस्टेक यही है, आप पेटीएम से डिपॉजिट बहुत ही कम करें, आप फ़ोन पे से डिपॉजिट करेंगे तो आपको वहाँ पर जो है ट्रांजेक्शन आईडी मिलता है, जहाँ से आप उसको कॉपी करके पेस्ट कीजिएगा तो आप तुरंत ही आपका 2 मिनट के अंदर आपके अकाउंट में $10 डिपॉजिट हो जाता है। अब देखिए, मैंने 5 दिसंबर को मैंने डिपॉजिट किया $10, और वो $10 आने में मुझे 1 महीना का तो टाइम लग जाएगा, वो भी गारंटी क्या है कि हमारा $10 डिपॉजिट होगा या नहीं होगा, आई डोंट नो, पता मुझे नहीं है, हो भी सकता है नहीं हो सकता है, कि 100% में 50% चांस है होगा और 50% चांस है नहीं होगा। तो बस आज के इतने ही, मेरे यही इन्फॉर्मेशन था कि आप लोग अगर ओलम ट्रेड में ट्रेडिंग करते हैं, अगर आप डिपॉजिट करते हैं तो आप जैसे ही फ़ोन पेमेंट हो तो बहुत सारे वहाँ पर ऑप्शन हैं फ़ोन पे का, फ़ोन पेमेंट का, अगर आप फ़ोन पेमेंट करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे जो एजेंट्स का नंबर आते हैं, उस एजेंट के नंबर को कॉपी करके आप डायरेक्टली फ़ोन पे में चले जाएं, और वहाँ से आप $10 डिपॉजिट कराओ, जो उसका जो है ट्रांजेक्शन आईडी आप वहाँ से पेस्ट कर दें और वो सबमिट कर देंगे, तो आप जो है $10 रिफिल्ड हो जाता है। तो बस आज का इतना ही बकवास के लिए, अगर वीडियो में अच्छे लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और थोड़ा सा वीडियो अच्छे लगे तो शेयर कर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।